यूपी में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बटोरने में लगी हैं। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मुस्लिम चेहरे जोड़कर सूबे की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी होने का दावा कर रही है। वहीं पार्टी में आए पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीम ने बताया कि सूबे में कांग्रेस सहित अन्य सेकुलर पार्टियों को एक एक कर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार करने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव ने उन्हें दी है। वो शिवपाल यादव थे, उनकी एक छोटी पार्टी थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुसलमानों के मामलात में हमारे साथ खड़े हैं तो हमने इस मुल्क में गांधी से लेकर हर इंसान को अपनाया है, हम आज भी गांधी को ढूंढ रहे हैं, कोई आदमी हमारे साथ तो खड़ा हो। हमने कहा कि अगर हम आपको ज्वाइन करेंगे तो उस शर्त पर जब आप एक महाज बनाएं सारी सेकुलर फोर्सेस को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो, जिसमें दूसरी जमातें चाहे राजभर की हो, चाहे अपना दल हो या कोई भी जमात हो जो बीजेपी से लड़ने को तैयार है, उसको इकट्ठा करें। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं, ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी जमातों को जो बीजेपी से परेशान हो गए हैं, चाहे यहां का किसान हो, चाहे यहां का मजदूर हो, चाहे यहां का नौजवान हो, यहां का या मुसलमान या अकलियत हो, हर शख्स इस मुल्क में परेशान हो गया है, उसको हराने के लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने उन सारे सेकुलर साथियों को, खासतौर से वो सेकुलर हिंदू जो आज तक हमारे साथ खड़े हैं, जिनको देशद्रोही कहा जाने लगा है, उनकी मदद के लिए सारे मुसलमान इकट्ठे हों, कांग्रेस मेजर पार्टी बने, हम लोग छोटी पार्टियां बने और वाकई एक गठबंधन बने।